हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द डीएस कलेक्शन। और आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेट लाया हूँ, हॉट व्हील्स प्रीमियम का सेट। थोड़ा टाइम ट्रेवल करेंगे, इंडिया में जब नई नई प्रीमियम्स आई थी तो कौन से सेट्स आए थे, कौन कौन से उसमें से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उनको देखेंगे। सो आई गॉट वन सच सेट विथ मी। ये जो सेट है इसका नाम आप देखोगे यहाँ पे सामने, आपको सब पे फास्ट एंड फ्यूरियस लिखा हुआ मिलेगा। पीछे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, इधर आप देख सकते हो इट सेज फ्यूरियस ऑफ रोड। फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेंचाइज में जितनी ऑफ रोड काइंड ऑफ कार्स यूज की गई हैं उसका ये सेट था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं, ये 2019 का सेट है, आप समझो 5 साल पुराना ऑलमोस्ट। और प्राइस इसका उस टाइम पे 399 हुआ करता था। उसके साथ आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको ये एक स्टिकर मिलेगा। ये स्टिकर बेसिकली एक कूपन हुआ करता था। अगर मैं आपको इसे फाड़ के दिखाऊं, यहाँ पे एक स्क्रैच कोड मिलता था इसमें आपको। ये आप देखोगे ना, स्क्रैच कोड है। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रैच करते तो आपको स्क्रैच कोड मिलता था। स्क्रैच कोड को आपको भेजना पड़ता था एक SMS पे, और उसमें फिर अगर आप अपना स्क्रैच कोड डालते जो आपका कोड निकला था तो आपको डिस्काउंट भी मिलता था। मुझे याद है कुछ कुछ गाड़ियों पे 50-50 रुपए का वो डिस्काउंट देते थे। अब आप ये सवाल करोगे कि मैं आज क्यों स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरे में अभी तक ये लगा हुआ क्यों है। बहुत बड़ा एक इसका टर्म्स एंड कंडीशन में था कि दिस वॉज वैलिड ओनली टिल द एंड ऑफ 2019। मैंने ये सेट लिया था और ये शिप हुआ था मेरे पास 2020 में, तो बाय द टाइम आई गॉट दिस सेट वो ऑफर जा चुका था। तो आप समझो कि अगर 20-25 रुपए भी मेरे निकलते तो 100-200 रुपए का नुकसान उसी टाइम हो चुका है मेरा इस सेट को लेते हुए। बट नाउ लेट्स कम टू द सेट, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल सेट और आपको पता चलेगा क्यों। तो अगर मैं आपको सेट की गाड़ियां दिखा दूं, सेट में आप देखोगे सबसे पहले आपको मिलती है एक ऑफ रोड कमैरो, उसके बाद एक सुबरू WRX। लेकिन जो तीन सबसे स्पेशल कार्स हैं इस सेट की, जिसकी वजह से ये सेट की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ी है, हमर मिल जाती है, जी वैगन और लैंड रोवर डिफेंडर। पीछे का कार्ड आर्ट कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे आपको सारी गाड़ियों की डिटेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फ्यूरियस 7 जिस मूवी की ये गाड़ी है, जैसे ये इम्प्रेजा किसकी है, फ्यूरियस 7 की है, तो यहाँ पे इसका आर्ट मिलेगा और मूवी का नाम मिलेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सेट जो है 399 की MRP थी, मतलब आप समझो 2000 के आसपास में इसकी MRP थी जब इंडिया में आया था 5 साल पहले। आज एक एक गाड़ी की वैल्यू 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुकी है, 4 times, 5 times इजिली वो बढ़ चुकी है। आज के डेट में ये सेट बहुत ज्यादा रेयर और एक्सक्लूसिव हो चुका है। आप जाओ ईबे पे जाओ या कहीं भी जाओ, इंडियन कलेक्टर्स जिनके पास है भी, आप देखो किस प्राइसेस पे वो निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा जंप देखा है इस सेट ने, तो दिस इज अ वेरी कलेक्टेबल सेट। और यहीं पे मैं कार्डेड कलेक्शन की भी बात करना चाहूंगा। आप देखो ये 5 साल पुराना सेट है, बट आप देखो एक बेंड तक नहीं है कार्ड में, कहीं पे एक छोटा सा क्रीज नहीं है, फोल्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मिंट कंडीशन इसी को कहते हैं। और आप समझो 5 साल में इसको इस पोजीशन में रखना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जी वैगन से, जो सबकी फेवरेट होती है। इसमें आपको ये मिलिट्री ग्रीन कलर मिल जाता है। व्हील्स इसके बहुत अच्छे चंकी से हैं, और यहाँ पे रूफ आपको नहीं दी गई है, कन्वर्टेबल टाइप का लुक दिया गया है। फ्रंट की डिटेलिंग की बात कर लेते हैं। फ्रंट की डिटेलिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है। इंडिकेटर्स जो क्लासिक जी वैगन के इंडिकेटर्स होते हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं। हेडलैम्प्स, ग्रिल, सब कुछ अच्छे से रेप्लिकेटेड है। पीछे भी बात कर लें तो पीछे आपको जो इसका स्पेयर टायर है, स्पेयर टायर और टेल लैम्प्स की डिटेलिंग बहुत अच्छी है। फ्रंट में जो मर्सिडीज का लोगो है वो भी बहुत अच्छे से रेप्लिकेट किया गया है। ऑब्वियसली ये प्रीमियम है तो इसमें आपको मेटल बेस मिल जाता है और रबर टायर्स मिल जाते हैं। दूसरी जो बहुत ही पॉपुलर कार है इस सेट की, वो लैंड रोवर डिफेंडर है, डिफेंडर 110, और मैट ब्लैक इसका कलर है। आप जी वैगन का भी कलर देखोगे ना, पेंट फिनिश इसकी मैट फिनिश है, तो ये मैट फिनिश पेंट की वजह से भी बहुत पॉपुलर है। ये डिफेंडर का जो एक वैगन टाइप का वर्जन होता है, जिसमें सामने के 2 दरवाजे होते हैं, पीछे आपको ये पूरा बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, वो है। फ्रंट की डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया, ब्लैक कलर प्लस हेडलैम्प डिटेलिंग और ग्रिल की डिटेलिंग, इट लुक्स वेरी नाइस। रियर की डिटेलिंग में भी वेरी वेल रेप्लिकेटेड, उसमें आपको छोटा सा एक नंबर प्लेट भी मिल जाता है, टेल लैम्प्स की भी डिटेलिंग मिल जाती है। व्हील्स भी बड़े अच्छे चंकी से हैं रबर टायर्स के साथ, और बेस इसमें आपको ऑब्वियसली मेटल मिलता है क्योंकि एक हॉट व्हील्स प्रीमियम है। हमर एक ऐसी गाड़ी है जो हॉट व्हील्स बहुत रेयरली बनाता है, और वो भी ये डेजर्ट कैमो टाइप का जो कलर है, डेजर्ट का कलर, सैंड का कलर। व्हील्स बहुत अच्छे, आप ऐसे भी देखोगे साइड प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है। फ्रंट से जो बुल बार टाइप का दिया रहता है वो आपको इसमें देखने को मिलता है, विच लुक्स वेरी नाइस, वेल डिटेल्ड एक हॉट व्हील्स प्रीमियम हमर, वेरी वेरी रेयर पर्सनली इन माई ओपिनियन। पीछे आपको ये थोड़ा पिकअप ट्रक टाइप का जो बे होता है वो मिल जाता है। रियर डिटेलिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस, और टेल लैम्प्स और नंबर प्लेट वगैरह आप देखोगे सब कुछ बहुत बढ़िया से रेप्लिकेटेड है।
इसमें भी आपको ब्लैक बेस मिल जाता है विथ रबर टायर्स एंड इट्स ओवरऑल अ वेरी ब्यूटिफुल कार टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत कम मैंने हॉटवील्स प्रीमियम की हमर देखी है, आपने कोई और देखी है तो बताना, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। नाउ वी कम ऑन टू वन ऑफ द अदर कार्स, ये मेनलाइन बड़ी पॉपुलर होती है, दिस इज द इम्प्रेजा WRX STI सुब्रू वाली, वेरी वेरी फेमस कार फ्रॉम द फ्रेंचाइज स्पेशली इन दिस कलर स्कीम। इसमें अब आप देखो ग्लॉस फिनिश मिलता है, मैट फिनिश नहीं है, प्रॉपर ग्लॉस फिनिश है। फ्रंट की डिटेलिंग की बात करें, हेडलैम्प्स, जो हुड स्कूप है इसका, या नीचे के बम्पर वगैरह की डिटेलिंग काफी बढ़िया, व्हील्स भी इसके अच्छे लगते हैं, और जो बहुत सारे कलर्स यूज किए गए हैं आप देखो, सिल्वर यूज किया गया है, ब्लैक यूज किया गया है, ब्लू यूज किया गया है, तो उनको अच्छे से बनाया गया है। रियर की डिटेलिंग इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री, स्पॉइलर की डिटेलिंग आप देख लो छोटा सा जो ऊपर में है, या फिर जो टेल लैम्प्स हैं, इट लुक्स नाइस। बेस इसका भी आपको ब्लैक मिल जाता है मेटल का। फाइनली द लास्ट कार फ्रॉम द सेट इज द 67 ऑफ रोड कमैरो। तो 67 कमैरो तो हमने बहुत देखी है, हॉट व्हील्स की वन ऑफ द फेवरेट कास्टिंग्स है, हर में ये डालने के लिए बेचैन रहता है हर सेट में, बट दिस इज द 67 ऑफ रोड कमैरो। तो ऑफ रोड होने की वजह से आप देखो इसके टायर्स कितने बड़े और चंकी से हैं। पेंट फिनिश की भी बात कर लेते हैं, पेंट फिनिश आप देखो इसमें आपको ग्लॉसी मिलता है, वेरी नाइस ब्यूटिफुल सिल्वर कलर। फ्रंट में आपको बुलवार टाइप का देखने को मिलता है प्रोटेक्टर, विच लुक्स वेरी नाइस, और उसके अंदर थोड़ी हेडलैम्प की भी डिटेलिंग की हुई है, और बम्पर वगैरह भी आप देखोगे कस्टमाइज बम्पर है वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से। रूफ की डिटेलिंग बहुत अच्छी की हुई है। रियर की डिटेलिंग भी आप देखो, रियर में भी इसमें बुलगार्ड तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, मतलब गार्ड टाइप का एक दिया हुआ है जिससे कि टेल लैम्प्स छुप जा रहे हैं इसके। ऑब्वियसली इसमें भी आपको मेटल बेस मिल जाता है और टायर्स तो रबर के मिलते ही हैं। जस्ट बिकॉज ये एक इतना बढ़िया सेट है, प्रीमियम सेट है मेटल कार्स और वो भी SUVs, तो इसका वेट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। शुरू करते हैं सबसे छोटी गाड़ी के साथ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सुब्रू लुक्स अ स्मॉल, लेट्स सी। सो 67 ग्राम्स, आप सोचो छोटी गाड़ी है कंपैरेटिवली इन दिस सेट, ये भी आपकी 67 ग्राम्स की है। कैमेरो दिखने में से थोड़ी बड़ी लगती है, इसको देखते हैं तो दिस इज 73 ग्राम्स, ऑब्वियसली वो फील करने में भी थोड़ी हैवी लगती है। देन वी चेक आउट द हमर, हमर इज 80 ग्राम्स एज यू कैन सी। तो हमर में जैसी SUV हो गई तो तुरंत आपने देखा कि 73 से सीधा 81, 8 ग्राम्स से ज्यादा का वेट डिफरेंस आया। फिर हम आ जाते हैं जी वैगन पे, जी वैगन इज सरप्राइजिंगली लाइट, जी वैगन इज ओनली 66.8, और मैं आपको बता दूं ये लाइट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको रूफ नहीं है ना, तो रूफ में जो इन गाड़ियों के मेटल यूज किया गया है वो इसमें आपका पूरा का पूरा बच जा रहा है। तो आप देखो लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि ये कमैरो आपकी है 73 ग्राम्स की और जी वैगन वो आपकी इससे हल्की है, जस्ट बिकॉज इसमें आपको वो रूफ नहीं मिल रही है। इवेंचुअली हम लैंड रोवर डिफेंडर पे आ जाते हैं, ये आपकी 80.4 ग्राम्स की है। सो SUVs का सेट है, बहुत ही बढ़िया हैवी सेट है। हमर इज देन द हेवीएस्ट क्योंकि ये भी आपकी 81 के आसपास है, 0.23 ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है लैंड रोवर में और हमर में। सो गाइज दिस वॉज इट, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी मैंने, देखो इंडिया में जो नया सिर्फ एक केस आया अभी तक JKS, तो सब लोग बोर हो चुके हैं उससे, तो मैंने सोचा पुरानी कुछ अच्छी गाड़ियां आपको दिखा दूं, सेकेंडरी मार्केट में हो सकता है आप इनको पाओ तो आपको भी मजेदार लगे, आप लेना चाहो। दाम इनका बहुत भाग चुका है मैं पहले बता दे रहा हूं, तो आज के रेट में इनको लेना इतना आसान नहीं होने वाला है। पर ओवरऑल आपको सेट कैसा लगा, फेवरेट कार इसमें से आपकी कौन सी है कमेंट करके बताना, और आपको SUVs और ऑफ रोडर्स पसंद है कि नहीं। थैंक यू।